कालजयी कलाकार पुरोधा महर्षि पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज के 15वीं पुण्यतिथि पर संगीत सभा का आयोजन किया गया। काशी एवं सदगुरु उदय सिंह के सहयोग से पड़ाड़कर स्मृति भवन में इस संगीतोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सर्वप्रथम पंडित किशन महाराज जी के चित्र पर पंडित पूरन महाराज, अंजलि मिश्रा, पद्मश्री पंडित राजेश्वर आचार्य, पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्रा, तुषार भाई वोरा ने माल्यार्पण कर अपनी श्रद्धा अर्पित की। कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि पद्मश्री राजेश्वर आचार्य ने शिरकत किया और इस दौरान उन्होंने अपने उद्बोधन में स्वर्गीय पंडित किशन महाराज के जीवन और उनके तबले के कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला। के सामने संगीत की यात्रा शुरू हुई और विगत 100 वर्षों में जितना परिवर्तन हुआ है उसके पहले 300 वर्ष में उतना नहीं हुआ था, चाहे वैज्ञानिक हो चाहे वैश्विक परिस्थितियों में अंतर हुआ हो। इस बीच में, इस शताब्दी में, 100 वर्षों में कलाकारों ने जो संघर्ष किया है, एक पाषाण में कलाकार प्राण पड़ने के लिए न जाने कितनी छेनी हथौड़े की चोट सहता है। संगीतोत्सव का आरंभ अहमदाबाद से आए कबीर शाह के स्वतंत्र तबला वादन से किया गया। इसके बाद दूसरे कार्यक्रम के रूप में बनारस के प्रसिद्ध गायक पंडित आशीष मिश्रा ने अपने स्वरों का जादू बिखेरा। इसी दौरान नई दिल्ली से पधारे बसंत सिंह नामधारी ने अपने एकल तबला वादन कार्यक्रम की प्रस्तुति से सभी को अपनी धुन में मगन कर दिया। उन्होंने 3 ताल में पारंपरिक उठान, कायदा रेला, बांट, पंजाबी गर्तो इत्यादि का लाजवाब प्रदर्शन किया। उनके साथ सारंगी पर अनीश मिश्रा ने उनका बेहतरीन संगत किया। चौथे और अंतिम कार्यक्रम के रूप में मिर्जापुर के मनीष कुमार शर्मा और वाराणसी की मांडवी सिंह का युगल नृत्य हुआ। अपने कार्यक्रम का प्रारंभ इन दोनों ने भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना से किया, जो बेहद मनमोहक रहा। उनके साथ तबले पर श्रीदेव नारायण मिश्रा और 11 वर्षीय अवंतिका महाराज ने, हारमोनियम पर त्रिलोकीनाथ मिश्र ने और सारंगी पर ध्रुव सहाय ने बेहतरीन संगत किया। Hey, 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 hey